आसिफ बाजार आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल साहब, तो आप देख सकते हैं हमारे पास टी वी एस एक्सल 100 सीसी वाला वर्जन है दोस्तों, और ये BS6 है। यहाँ पर इसका देख सकते हैं आप, तो दोस्तों इसमें मिसिंग का प्रॉब्लम है, तो इसको चेकआउट करेंगे, करंट से इशू है या इसका टोटल बॉडी से प्रॉब्लम है दोस्तों। तो इसका हम फाइनल टंकी सब ओपन करते हैं दोस्तों, आगे का बताते हैं। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड का हम पैनल खोल चुके हैं दोस्तों, और इसका प्रॉब्लम किस तरह से आप देख लीजिए, इस तरह से सब कुछ सही बता रहा है दोस्तों, कोई तरह का इशू नहीं है। अब इसको हम करेंगे स्टार्ट, तो स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों गाड़ी चलने में जर्क लेता है, झटका टाइप का मिसिंग है। तो इसका प्रॉब्लम कहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं, वायरिंग इशू, सेंसर इशू, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर इसका वायरिंग इशू रहता तो चेक इंजन लाइट बताता, तो इसका पेट्रोल से इशू है दोस्तों। तो डायरेक्टली हम इसका इंजेक्टर साफ़ करने वाला है, तो आप बने रहिए हमारे वीडियो में, फिर इंजेक्टर इसका साफ़ होगा। तो दोस्तों इस जगह पे है इंजेक्टर लगा हुआ, इसको हम 8 नंबर टीप आना से खोलेंगे दोस्तों, इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से खोलेंगे दोस्तों इसको, और इसको बाहर लेंगे, और आपको बाहर लेने के बाद दिखाते हैं इस तरह से, ये देख सकते हैं, ये है इसका इंजेक्टर। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों इसमें कचरा किस तरह से है, यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे होंगे इस जगह पे बारीक बारीक ब्लैक ब्लैक कचरा हो गया दोस्तों, इसलिए गाड़ी मिसिंग कर रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, क्योंकि नया गाड़ी है, इसका अभी नंबर भी नहीं मिला है दोस्तों। तो हम इसको करने वाले हैं साफ़, और इसको साफ़ कैसा करना है दोस्तों आपको बताते हैं, 12 वोल्ट पावर दे के साफ़ होता है, अब वो वीडियो देखना है तो हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों इसको साफ़ करके लगाते हैं, आगे का बताते हैं। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों इंजेक्टर हमने क्लीनिंग कर चुका है, और इसको क्लीनिंग करके इसमें लगाए हैं, और अंदर भी साफ़ किए हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं अंदर बहुत कचरा था दोस्तों, ये भी साफ़ किए हैं, और इसको हम फिट करके आपको चेक करके बताते हैं दोस्तों किस तरह से इंजेक्टर काम करता है। अब इस तरह से इसको लगा देंगे दोस्तों, और ये 12 वोल्ट वाला सप्लाई इसका जो है ये क्लिप, इसको भी हम इसमें अटैच कर देंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं ये हमारा अटैच हो गया दोस्तों। अब हम चाबी ऑन करके और सेल्फ यूज करेंगे दोस्तों, देखिए चाबी ऑन किए, और जब तक सेल्फ नहीं यूज करेंगे दोस्तों पेट्रोल यहाँ छिड़काव नहीं होता है, तो आप देख पाएंगे, यहाँ देख पा रहे होंगे दोस्तों आप, देखिए आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये देख पा रहे होंगे इस तरह से दोस्तों ये काम करता है। तो परफेक्ट हमारा ये साफ़ हो चुका है दोस्तों, अब इसको इस तरह से इसमें लगाना है दोस्तों, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, और दोस्तों इसको बैठा के थोड़ा सा पुश करके घुमाना पड़ता है तो प्रॉपर अंदर जाता है। ये हमारा बैठ चुका है दोस्तों, अब इसे 8 नंबर बोल्ट हम टाइट करेंगे इस तरह से, आप बने रहिए वीडियो में। तो ये हमारा देख सकते हैं आप इस तरह से, ये फुल टाइट हो चुका है दोस्तों। अब डायरेक्टली हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे दोस्तों, और देखेंगे प्रॉब्लम गया या नहीं गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ प्रॉपर तरह से सब काम कर रहा है दोस्तों, और हम सेल्फ को यूज करेंगे, ये गाड़ी हमारा स्टार्ट हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों सही हो चुका है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इसका मिसिंग का बीमारी जा चुका है, कोई तरह का इशू नहीं रहा, अब गाड़ी प्रॉपर रेस भी दे रहा है, देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हमारा बेल आइकन को भी ऑन करो दोस्तों, ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो आज तक के वीडियो यहीं करते हैं। We'll be right back.